आप जो रहा गुजरात नंबर वन न्यूज चैनल जी चौबीस कलाक हूँ आपनी साथे जूही। जामनगर में भूकंप ने आंचका नोधाया है, 2.2 की तीव्रता आ आंचको नोधायो। भूकंप नु केन्द्र बिंदु जामनगर थी 35 किलोमीटर दूर है। सवारे 10 वगे 32 मिनिटे आ आंचका नोधाया है। जामनगर सहित सौराष्ट्र त्रण जिलाओं में छेल्ला एक महीना में सतत आ हलवा आंचका नोधाई रहा है। भूकंप नु केन्द्र बिंदु जामनगर थी 35 किलोमीटर दूर नोधायो है। वधु माहिती साथे जामनगर थी संवाददाता मुस्ताक दल फोन लाइन पर। जी मुस्ताक, जामनगर में अत्यार सुधी में घना आंचका नोधाया है, वधु एक 2.2 की तीव्रता आ आंचको, शू विगतो हाल? चोक्कसथी जोई वात कराय तो जे रीते 2-3 दिवसना आराम बाद फरीथी आजे जे जामनगरना ग्राम्य पंथकमां भूकंपने घड़वो आंचको नोंधायो छे। आजे सवारे 10:32 मिनिटे जे छे ए 2.2 नी तीव्रतानो भूकंपनो आंचको जामनगरना ग्राम्य पंथकमां नोंधायो छे। ने फरीथी जेनुं केन्द्रबिंदु छे ए जामनगरथी 35 किलोमीटर दूर नोंधायो छे। क्यांक ने क्यांक सतत आवता भूकंपना आंचकाओना कारणे ग्रामजनोमां ભયનો માહોલ રહે છે, તો જે મકાનોમાં પણ નાની મોટી તિરાડો પડવીને ક્યાંક ને નુકસાનની વાત હવે સામે આવી રહી છે। જો કે આ ભૂકંપના આંચકાઓમાં ક્યાંય જાનહાનીના કોઈ સમાચાર નથી, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક જે જૂની ફોલ્ટ લાઈન સતત સક્રિય હોય ને ગત વર્ષથી માફક આ વર્ષે પણ જે છે ભૂકંપના હળવા આંચકાનો સિલસિલો ગ્રામ્ય પંથકમાં જોવા મળ્યો છે, ને જેના ભાગરૂપે આજે સવારે પણ વધુ એક 2.2 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો નોંધાયો છે। જોઈ બિલકુલ તમામ જાણકારી બદલ આભાર મુસ્તાક। જામનગરમાં 2.2 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો સતત આંચકા નોંધાતા આવ્યા છે। સૌરાષ્ટ્રના 3 જિલ્લાઓમાં જેમાં જામનગરમાં અત્યાર સુધી લગભગ 7-8 જેટલા આંચકા નોંધાયા છે। जी 24 कलाक पर अनलॉक 5 अंगे सबथी मोटा समाचार। जी 24 कलाक पर जानो शू खुलशे अने शू बंद रहेशे। देश में 1 ऑक्टोबर थी लागू थवानू छे अनलॉक 5। अनलॉक 5 में केटली छूट आपवा अंगे विचारी रही छे सरकार। तहेवारोनी सीजन पहला नॉर्मल लाइफस्टाइल करवानी कोशिश करवामां आवशे। सिनेमा हॉल टूरिस्ट स्थलों सहित केटली छूट मळी शके छे। केन्द्र सरकार थिएटर ने खोलवानी पर छूट आपी शके छे। दर्शकों पहली रो में 1-1 सीट छोड़ी बैसे तेवी फॉर्म्युला छे। जे बाद नी रो खाली राखवामां आवे जेथी सोशल डिस्टेंसिंग जळवाय। कोरोना थी सौथी वधु प्रभावित एक क्षेत्र टूरिज्म छे। हाल में ज ताजमहल सहित केटलाक स्थलों खोलवामां आव्या। अनलॉक 5 में अन्य टूरिज्म स्थल खुली शके छे। 7 राज्यों मुख्यमंत्रियों साथे पीएम बैठक करी चुक्या छे। बैठक में पीएमए माइक्रो कंटेनमेंट बनावा अंगे कह्युं हतुं। 1 सप्टेम्बर थी 30 सप्टेम्बर सुधी अनलॉक 4 लागू हतुं। मेट्रो सेवा शुरू करवानी अनलॉक 4 में छूट अपाई चुकी छे। धोरण 9-12 सुधीनी शालाओं आंशिक शुरू करवानी पर छूट अपाई छे। जो कि मात्र केटलीक राज्योए खोली छे आ शालाओं। प्राइमरी क्लास हजू बंद ज रहे तेवी संभावना छे। युनिवर्सिटीओ अने कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू थई चुकी छे। जो कि हाल बधी प्रक्रिया ऑनलाइन थई रही छे। बुधवार सुधी में जाहेर थशे अनलॉक 5 की गाइडलाइन।